करती हूँ, खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, बहुत अच्छा सौभाग्य हमारा, हम सब का, कि इस बार धनतेरस शुक्रवार के दिन पड़ रही है, मतलब कि माता लक्ष्मी के प्रिय दिन। तेरस माता लक्ष्मी का प्रिय दिन, शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रिय दिन। जो पूजा आप दीपावली के दिन करते हैं, वे सारी पूजाएं आप तेरस के दिन कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी ये भ्रम ना पालें कि दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी की पूजा होती है, धनतेरस के दिन नहीं होती है। क्योंकि धनतेरस तो दोस्तों ऐसे भी ये तेरस का दिन मतलब माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है, ठीक है, और शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है। तेरस की पूजा जुड़ी हुई है धन से, धन जुड़ा हुआ है शुक्र के ग्रह से। शुक्र माता जी को बहुत ही प्रसन्न है, शुक्रवार का दिन माता जी का बहुत ही पसंदीदा दिन है। आज मैं आपको बहुत ही छोटा सा उपाय बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, ये उपाय कर लेने के जैसा है। 15 या 20 रुपए की ये चीज आपकी लाइफ को इतना सपोर्ट कर देगी, आपका जो सौभाग्य है वो चमकने लगेगा, आपका जो भाग्य है वो आपको, आपका जो भाग्य बल है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आपकी लाइफ को सॉफ्ट बना देगा, प्रोग्रेसिव बना देगा, ठीक है। दोस्तों, इस बार जो धनतेरस की शुरुआत हो रही है, ये 12 नवंबर से ही हो रही है, गुरुवार की रात 9:30 बजे से, और 13 नवंबर मतलब कि शुक्रवार के दिन 5:59 तक ये चलने वाला है। जो पूजा का मुहूर्त है वो 5:28 से 5:59 तक रहेगा, 30 मिनट का बीच में बहुत बढ़िया समय है जिसमें आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। पूजा के मैंने पहले भी इसके पिछले वीडियो में भी काफ़ी आपको उपाय बताए हैं, उन वीडियोस को जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ देखना, बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, ज़बरदस्त उपाय मैंने बताए हैं। यदि आप सब नहीं कर पाए तो उसमें से यदि आपने 2-4 उपाय भी कर लिए तो भी आपकी लाइफ धन से, ऐश्वर्य से, सौभाग्य से भर जाएगी। अगले धनतेरस को आप सच में सोचेंगे कि वाह, हमने कौन सी पूजा की थी पिछले धनतेरस को कि हमारी लाइफ में इतने बढ़िया परिवर्तन आ गया। एक भी वीडियो को दोस्तों देखना मिस मत करना, ठीक है। आपको दोस्तों इस दिन लाल कलर के ही कपड़े पहनने हैं, माता रानी की स्थापना आपको लाल कलर के ही कपड़े के ऊपर करनी है। स्थापना कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, मैं हर वीडियो में 1 मिनट का समय 1.5 मिनट का समय लेकर के आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि आप लाल कलर के कपड़े पर ही माता रानी की स्थापना कर दें, या तो आप चौकी बनाएं, अष्टदल बनाएं आटे से, नहीं बनाते हैं तो आप चावल की ढेर करें, उसके ऊपर तांबे का कलश रखें, कलश को आपको बहुत अच्छे से सजाना है, उसके ऊपर आप हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक भी बनाएं, 5 उसके ऊपर तिलक लगाएं, ठीक है। जल के अंदर आप गंगा जल डालें, गुलाब जल भी डालें, हल्दी कुमकुम चावल सब कुछ पानी के अंदर आप अवश्य ही डालें, बराबर। पान के पत्तों से कलश को सजा दें, आम के पत्तों से या अशोक के पत्तों से भी आप सजा सकते हैं, पत्तों की संख्या 5, 7, 11 इस टाइप से आप रखें, जो भी आपको सूटेबल लगता है। उसके ऊपर आपको एक तांबे की डिश रखनी है, डिश के ऊपर आपको माता रानी की स्थापना कर देनी है। यदि आपके पास माता रानी की छोटी सी मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना करें, और इस दिन दोस्तों आप चांदी का सिक्का अवश्य ही लाएं, तांबे की धातु, पीतल की धातु के बने हुए बर्तन, कोई भी चीज वस्तु अवश्य ही लाएं, ठीक है। स्थापना कर देने के बाद आपको, और जब आप स्थापना करते हैं उसके पहले आप माता रानी को हल्दी वाले जल से अवश्य ही स्नान करवाएं, आपके लाइफ से दोस्तों तकलीफ बहुत दूर भाग जाएगी, बहुत दूर भाग जाएगी। हल्दी वाले जल में थोड़े से 2-4 पत्ती गुलाब के भी अवश्य ही डालना, गुलाब जल थोड़ा सा अवश्य ही डालना दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में कितना जबरदस्त परिवर्तन आएगा, ठीक है। माता रानी को कुमकुम, अक्षत, हल्दी वगैरह आप अर्पित करें, माता रानी के सामने 40 पढ़ें, श्री सुख का पाठ करें, कनक धारा करें। ये सब करने में आप कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करें ये मैं 1 by 1 अपनी हर वीडियो में आपको बताती जाऊंगी कि किस चीज़ को अर्पित करने से आपको क्या फल मिलने वाला है। ये जो श्री सूक्त है इसको आप कोड़ियों से भी कर सकते हैं, कमल के बीज से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उन चीज़ों को चढ़ाते हुए आप इसका पाठ करें। इसके मैं और भी उपाय आपको आगे बताती जाऊंगी कि आपको करना क्या है। आज जो उपाय बता रही दोस्तों, इसमें आपको लाना है एक पीतल की अंगूठी। धनतेरस के दिन ही दोस्तों भगवान धन्वंतरी का उद्भव हुआ था, पीतल के कलश में भी अमृत लेकर के आए थे, इसलिए इस दिन
माता लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी की भी पूजा होती है और भगवान कुबेर की भी पूजा होती है। जहाँ पर भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें उनके आगे एक सुपारी अवश्य रखें भगवान धन्वंतरी के नाम की, कि ये भगवान धन्वंतरी है तो उनकी भी आप पूजा अवश्य करें, और दूसरी तरफ भगवान कुबेर के नाम की एक सुपारी रखें। और जो जो चीज़ें आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं वे सारी चीज़ें आप भगवान धन्वंतरी को भी अर्पित करें और भगवान कुबेर को भी अवश्य ही अर्पित करें, ठीक है। सफ़ेद कलर की आपको मिठाई अर्पित करनी है, और गुलाब या कमल दोनों में से कोई एक भी पुष्प चढ़ाए, या दोनों ही पुष्प यदि अवेलेबल हो तो आप चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में गुलाब का इत्र अवश्य ही छाटें, बहुत ही बढ़िया परिणाम देखने के लिए मिलेगा। आप खुद के ऊपर भी गुलाब का इत्र अवश्य ही छाटें, अवश्य ही छाटें दोस्तों, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो भी आप जितने भी पूजा करते हैं, ये सारी पूजा करने से पहले आपको माता रानी के सामने एक पीतल की या चांदी की आपको अंगूठी छल्ला रखना है। आप अभी से उस छल्ले को ढूंढ ले, जो भी आपकी शक्ति हो। जो चांदी की धातु है ये भगवान कुबेर से जुड़ी हुई है, बराबर। पीतल है ये भगवान धन्वंतरी से जुड़ी हुई धातु है। सोना, यदि आप सोने का छल्ला धारण करते हैं, माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई धातु है। तो आप इनमें से कोई भी एक अंगूठी, किसी भी एक धातु की आप अंगूठी ले आए। यदि आप चांदी सोने की अंगूठी नहीं ला पा रहे हैं, आप पीतल की अंगूठी अवश्य ही लाएं, और उसे ला करके जब आपकी पूजा फिनिश होती है, मतलब इस अंगूठी में भी आपको सब कुछ चढ़ाना है जैसे जो आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, सारी चीज़ें अर्पित करें, ठीक है। जब आपकी ये पूजा फिनिश होती है, आपको कमल गट्टे की माला से, यदि कमल गट्टे की माला आपके पास ना हो तो स्फटिक की माला लें, वो भी ना हो तो तुलसी की माला, इन तीनों में से कोई भी एक माला आपके पास हो तो एक माला ले सकते हैं कोई भी। और एक माला, सिर्फ एक माला आपको करनी है, ओम नमो कमल वासिने स्वाहा। क्या मंत्र बोलना है? ओम नमो कमल वासिने स्वाहा। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है, 108 मंत्र। उसके बाद आप माता जी की आरती उतार लें, जो आपकी समस्या हो माता जी से कहें, और उस अंगूठी को आप उठाएं अपने हाथ में लें, ले करके माता जी के सामने आप दुआ मांगे, आप प्रार्थना करें कि अंगूठी में आपके नाम से आपका आशीर्वाद समझकर धारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अंगूठी मेरे हाथ में रहे, सदैव आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, मैं जो भी काम करूँ मुझे सफलता मिले, मेरे काम में मुझे बरकत मिले, मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, मेरे कोई भी सपने ना टूटें। जो भी आपकी आपकी जो भी प्रार्थना है वो प्रार्थना आप माता रानी के सामने करें, ठीक है। उसके बाद वहीं पर आप उस अंगूठी को धारण कर लें, अनामिका उंगली में, इस उंगली में आप उस अंगूठी को धारण करें, ठीक है। और इस अंगूठी को फिर आप कभी ना उतारें। ये अंगूठी आपके हाथ में जब तक पड़ी रहेगी दोस्तों, पैसों की कमी आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन पैसों की यदि आप तकलीफ है, आप पैसों से यदि आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, कमजोरी चली जाएगी। पैसे की जो, पैसों को लेकर के जो आप दुख में भोग रहे हैं वो दुख चला जाएगा, ठीक है। शक्य हो तो आप हर तेरस को इस अंगूठी को धूप दीप दिखाते रहें, आपका हर काम होता रहेगा। इसे धारण करना है धनतेरस के दिन, ठीक है, करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, कुछ अवश्य करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।